हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम एक सुपर टेस्टी डिश बनाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम इजी वे में सैंडविच बनाएंगे, वो भी एकदम 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी है, क्विक रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए, मैं पहले यहाँ पे एक बाउल ले ली हूँ, 1 से 1.5 चम्मच पिज्जा सॉस और 1 से 1.5 चम्मच मेयोनीज डाल के उसको अच्छे से मिला ली हूँ। ये हम बेस पे लगाएंगे, ठीक है। ये वाला हमारा तैयार हो गया है सॉस। ये डालने से ना हमको दूसरा कुछ सिजलिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड स्लाइसेस ले ली हूँ, ये आटे का ब्रेड है। आप चाहे तो अपने कोई भी पसंदीदा मिल्क ब्रेड भी ले सकते हैं। तो उसमें हम चारों तरफ उसको अच्छे से फैला के स्प्रेड कर देंगे। इसे ना आप नमक या फिर अलग से काली मिर्च ऐसा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं घर से ही होममेड पनीर बनाया हुआ था, उसको क्रश कर ली हूँ, उसको मैं डाल दे रही हूँ, उसके ऊपर अच्छे से फैला दे रही हूँ। बहुत ही इजी है, बच्चों को टिफ़िन के लिए ना एकदम परफेक्ट है, ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है, एकदम हेल्दी वे में बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पनीर हम अच्छे से स्प्रेड कर दिए, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ प्याज, छोटे छोटे टुकड़े में प्याज काट ली हूँ, और खीरा को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। हम प्याज और खीरा दोनों को अच्छे से फैला देंगे। ऊपर से अलग से नमक या फिर काली मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मेयोनीज और जो पिज्ज़ा का सॉस डाले हैं ना, उसमें नमक और मिर्ची होता है, तो हमको दूसरा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी है, आप घर में ट्राई कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट में हमारा जो सॉस है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सैंडविच हमारा उसका जो मसाला है अंदर हम रख दिए हैं, और दूसरे वाला सैंडविच का हम ऊपर रख दिए हैं। तो चलिए, इसको अभी हम सेक लेते हैं तावे पे। तो यहाँ पे हम एक फ्राई पैन ले लिए हैं, फ्राई पैन को मैं गर्म हो जाने दी हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी बटर, आप चाहे तो लगा सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बटर ज़रूर लगाएं। तो दोनों तरफ से मैं गोल्डन होने तक सेक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, एक ब्रेड को हम पलट दिए हैं, तो दूसरा को भी पलट देते हैं हल्के अच्छे से, ध्यान से, जिसे टूटे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ब्रेड हमारा आटे ब्रेड है, तो कुछ अलग ही कलर अच्छा है, कितना सुंदर कलर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा सैंडविच बनके तैयार हो गया है। बहुत ही इजी क्विक है, घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और कैसा लगा मुझे रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, जल्दी से प्लेटिंग कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी सैंडविच है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल बटन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी देखिए, मैं आपके मनपसंद कोई भी शेप में आप काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा सैंडविच हम काट लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट ले रही हूँ, बच्चों को ज़्यादा पसंद है छोटे टुकड़े में खाना। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, एंड लॉट्स ऑफ लव।